The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's talk about this important factor कि क्या गर्मी आ गई है, because गर्मी आ गई है तो क्या कोरोना वायरस गर्मी में अब ख़त्म हो जाएगा या नहीं। देखो, वायरस आपके जब शरीर के अंदर है, पहली चीज़ ये वायरस है, ये नॉन लिविंग थिंग है। ये एक वायरस आपके जब शरीर में जाता है, सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होकर दूसरे सेल में, दूसरे से ब्लड में, बहुत सारी जगहों में चल जाता है और फिर ये आपके बलगम में, आपके स्पूटम में, आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में फैलता है। तो जो आप एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के ऊपर जब वो ड्रॉपलेट गिराता है, वो ड्रॉपलेट बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि बाहर उस पर्टिकुलर सरफेस पे जहाँ ये गिरा वहाँ कितने देर वायरस जिंदा रहेगा। तो गर्मी में सिर्फ उस बाहर के सरफेस पे वायरस की लाइफ कम हो जाएगी, बिकॉज वायरस ड्राई नहीं रह सकता जिंदा, उसको मॉइस्चर चाहिए। वायरस को मॉइस्चर चाहिए उस जगह ड्रॉपलेट पे गिरने के बाद। मान लो आपने छींका, किसी पेशेंट ने छींका, आगे कांच है, आगे स्टील की कुर्सी है, टेबल है, वॉट एवर इट इज, कॉपी है, उसके ऊपर ड्रॉपलेट गिरे, स्टील की कुर्सी इसके ऊपर, और वहां पे धूप है, एक जगह धूप है, एक जगह बंद कमरा है और एक एसी वाला हॉल है, राइट। एक धूप में वहां पर वो जो लिक्विड है जो ड्रॉपलेट के अंदर, वो जल्दी सूख जाएगा। बंद कमरे में हो सकता है वहां हवा ना हो तो वहां वो थोड़ी देर ज्यादा रहे, और एक एसी में वहां जहां पे एक्चुअली थोड़ा ठंडा एनवायरमेंट है वो और ज्यादा रहे, ऐसा भी हो सकता है। सो बात को समझिए, धूप का इफेक्ट सिर्फ बाहर निकले ऑन सरफेस वाले वायरस ड्रॉपलेट्स पे आता है, आपके अंदर रहने वाले पे नहीं। आपके अंदर पेशेंट के अंदर से जो बाहर निकल के आपके मुंह पे गिरेंगे, अगर आप एक पेशेंट से बात कर रहे हो, हाथ मिला रहे हो, उसने हाथ लगाया, यहाँ हाथ लगाया, तो वो तो इंस्टेंट हुआ, वो तो कुछ ही मिनटों में आपके अंदर चला जाएगा। सो ड्यूरेशन ऑफ वायरस बीइंग एक्टिव आउटसाइड द बॉडी विल रिड्यूस, सो थोड़ा सा इन्फेक्शन स्प्रेड विल रिड्यूस, बट वायरस खत्म नहीं हो जाएगा। वायरस तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपके अंदर वो लास्ट पेशेंट जिसके अंदर वो गया है, वो या तो पेशेंट के पूरा हील नहीं हो जाता, जिसके ज़्यादा चांसेस है 80-90%, या पेशेंट पूरा सिक नहीं हो जाता, एकदम ज़्यादा बीमार नहीं हो जाता और उससे वायरस हावी नहीं हो जाता, दोनों में से एक चीज़ होगी। सो गर्मी का वायरस पे ये इफेक्ट होगा, और जितना हम चाहें हम वायरस को अपने तक आने से तभी रोक सकते हैं जब आप हाथ, दोनों हाथ अपने मुंह नाक को लगाने से पहले हाथ धोगे। हाथ के अंदर यहाँ पर ड्रॉपलेट गिरने से भी आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। किसी ने छींक दिया, आपने मास्क पहना हुआ है और आपने उसकी छींक को हाथ से रोक लिया, यहाँ हाथ में लगा हुआ है, तो यहाँ से वो वायरस आपके शरीर के अंदर नहीं जा सकता। इट कैन नॉट गो, इट कैन नॉट पियर्स द स्किन। सो इसीलिए हर 5 मिनट में हाथ मत धोइए, स्किन ड्राई हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी। अगर वहाँ पे कोई छाले हो गए तब वो जा सकेगा, छालों में से, छाले छुले नहीं होने चाहिए। सो रिमेंबर, डोंट वॉश योर हैंड्स विथ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इन एवरी 5 मिनट्स, बट वॉश योर हैंड्स बिफोर, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कुछ भी मुंह को हाथ लगाने से पहले, अपने फ़ोन को, अपने रिमोट कंट्रोल को, उनको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोइए। अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को हैंड हाइजीन सिखाइए। हाथ धोने की पद्धति, मंजे काय, मंजे तरीका सिखाइए कि हाथ कैसे धोते हैं, इन एंगल्स को, इसको भी इम्पॉर्टेंट है धोना, पीछे भी धोना इम्पॉर्टेंट है, इसको भी धोना इम्पॉर्टेंट है। पूरी पद्धति WHO की वेबसाइट में दी हुई है, उसको देखिए और उसको हाथ उस हिसाब से धोइए, तब आप बच पाओगे कोरोना वायरस से, राइट। और धूप में थोड़ी हेल्प मिलेगी कि एक नॉर्मल फ्लू भी कम हो जाता है, तो ये भी कोरोना वायरस का फ्लू कम हो जाएगा, लेकिन फैलेगा, फिलहाल ये फैलेगा, कितने महीने चलेगा ये अपना ड्यूरेशन करेगा, हो सकता है एक से दो चार महीने और चले, ये अब फिलहाल फैलेगा, तो फैलने से हमें रोकना है, मिनिमम लोगों को हो ये रोकना है। इसीलिए क्वारंटीन भी हो रहा है, इसीलिए स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, इसीलिए बड़े बड़े जितने भी गैदरिंग वाले एरियाज हैं वो बंद हो रहे हैं, ताकि आप लोगों की सुरक्षा हो सके और ऐसे लोग
जो वल्नरेबल है इस इन्फेक्शन से उनके पास वायरस ना या कम से कम पहुंच सके, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें एक और बात आती है, इसमें वायरल लोड की भी बात आती है। ये बात नहीं कि एक सिंगल वायरस आपके अंदर चला गया तो बहुत हाहाकार मना, ये लोड की बात है, राइट। एक सवाल और आता है लोगों में, क्या एक बार वायरल इन्फेक्शन हो गया तो क्या वो फिर से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैंने पहले भी बताया आपको। अगर आपके अंदर पहले एक या दो वायरस आए थे या कुछ वायरस आए थे, आपके शरीर ने थोड़ा सा इन्फेक्शन बुखार करके उसको मार दिया, आप हफ्ते दो हफ्ते में ठीक हो गए, तो आपका शरीर उस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आज के बाद कभी भी वो वायरस आएगा तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन तब भी होगा। उसके बाद अगर मान लो पहली बार आपके अंदर 10 वायरस आए थे, अब की बार आपके अंदर 100 वायरस एक साथ आ गए, किसी ने डायरेक्ट आपके मुंह पे छींक दिया, अरे बाप रे ये क्या हो गया, तो अब भी फिर वो ज्यादा वायरल लोड जब आपके अंदर चला जाएगा तो आपकी बॉडी फिर बीमार होगी। लेकिन इस बार बिकॉज एक बार इन्फेक्शन हो चुका है तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज हैं उस वायरस के खिलाफ, उस एंटीबॉडी की मेमोरी है, तो जो आपकी इम्यून सिस्टम की स्पीड है उस वायरल अटैक को अटैक करने की, कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी धड़ाधड़ बनाने की, वो तेज हो जाती है। तो सेकेंड इन्फेक्शन से बचने के आपके चांसेस डबल हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इम्यून सिस्टम कितनी एक्टिव है। सो यस, एक ही वायरस से एक ही सीजन में दो बार इन्फेक्शन, तीन बार इन्फेक्शन पॉसिबल है, पर सबको दो बार होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को एक ही बार होता है, ज़्यादातर लोगों को वायरल इन्फेक्शन होके निकल भी जाता है, पता भी नहीं चलता। इसीलिए हम लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि इसका जो डेथ रेट है, सर आप कह रहे हो 1-2% है, WHO ने 3% कर दिया, वो डिपेंडिंग अपॉन डिटेक्टेबल केसेस, जो एक्चुअली कन्फर्म्ड केसेस हैं। याद रखिए, US जैसी कंट्री में भी इतने टेस्ट किट नहीं है कि हम सारे केसेस को कंफर्म कर सके। इंडिया में तो फिर महामारी ये तो होगी ही कि भी टेस्ट किट कम है, सब के सब टेस्ट करा लोगे तो एक्चुअल पेशेंट को कंफर्म करने के लिए टेस्ट नहीं होगे। जब टेस्ट कंफर्म नहीं होगा तो किसको आइसोलेट करना है, किसको घर भेजना है, पता नहीं होगा। एक भी पेशेंट जिसको इन्फेक्शन है उसको घर भेज दिया या उसको छोड़ दिया और उसको बोल दिया तुम ठीक हो, तो वो हजारों लाखों को इन्फेक्ट कर सकता है। और ऐसे में हर पेशेंट को हॉस्पिटल में भर दिया तो किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा। तो अगर आपको फ्लू है, अगर आपको थोड़ा सा भी सर्दी खांसी है, तो जाके डायरेक्ट कोरोना वायरस का टेस्ट मत करवाओ। बी सेंसिबल, बी रिस्पॉन्सिबल, गो टू अ डॉक्टर। एक MD फिजिशियन, एक चेस्ट फिजिशियन, एक पल्मोनोलॉजिस्ट, एक चेस्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाओ जो चेक करेगा आपको और बताएगा कि आपकी बीमारी कैसी लग रही है। आपको सर्वेलेंस में रखेगा। सर्वेलेंस का मतलब है कि आज से आगे आप हर बार मास्क पहनोगे, क्योंकि आप फैलाओगे तो अपने हाथों से नहीं फैलाओगे, आप छींक के फैलाओगे, आप मुंह से फैलाओगे। तो अगर आप बाहर से आए हो, आपको लगता है कि मैं अपने घर वालों को ना दे दूं, तो बंद कमरे में बंद मत हो जाओ। सिर्फ अपने शरीर, अपने 24 घंटे अपने हाइजीन को देखो कि मैं जब बाहर निकलूं, जब मैं लोगों से बात करूं तो मुंह पे मास्क हो। जिससे भी अगर आपको शक है, क्योंकि इफ यू हैव फ्लू जैसे सिम्टम्स यू शुड वेयर अ मास्क। इफ यू आर टॉकिंग टू समवन जिसको फ्लू जैसे सिम्टम है, देन यू शुड वेयर अ मास्क। तो घर वालों को बोलो मास्क पहने, आप मास्क पहनो, घर में बंद होने की जरूरत नहीं है। हाथ तब धोइए अगर आपके मुंह से आपने टच किया है तो मास्क, जैसे खाना खाया है फिर हाथ धो लीजिए। सो सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन अगर आपने लिया और सर्वेलेंस में रहे, सर्वेलेंस मतलब डॉक्टर के टच में रहे, 4 दिन बाद जाके या 1 हफ्ते बाद जाके डॉक्टर से फिर मिलो, डॉक्टर चेक करेगा कि आपकी पल्स, आपकी BP, आपका चेस्ट, आपका जो सर्दी है वो कैसी है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, देन यू आर गेटिंग बेटर। आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है भाई साहब, पूरी पैंडेमिक में एक ही रोल है आपका, कि इसको आपको खुद को ना हो, और अगर आपको हो तो आप दूसरों को ना दो। बंद होने से कुछ नहीं होगा, घर में आपको समझने से होगा कि आपको क्या करना है, आपको समझने से होगा किससे फैलता है किससे नहीं फैलता, आपको समझने होगा कि कौन सी चीज करनी है कौन सी नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल डिटेल। कोई भी सवाल हो आपका, आप हमें लिखिए, हम कोशिश करेंगे हर सवाल के जवाब देने की, बशर्त है कि आप हमारा साथ दें इस इंफॉर्मेशन को दूरों दूरों तक फैलाने की। लेकिन सही इंफॉर्मेशन नहीं फैलेगी तो पैनिक होगा, और पैनिक आपके लिए डबल खराब है। हमने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका है पैनिक से क्या होगा।
प्लीज शेयर।